हेलो राहुल, गुड मॉर्निंग। जैसे जाऊँ ग्रस्त छू जाऊँ छू। ओके गुड चाहिए। मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे। ओके चाहिए, धीरे जाना। ओके हाँ, घर पड़ी हूँ। रात को कुछ खाना है क्या? बना पर वही सोच रही हूँ मैं। बाय, जय श्री कृष्ण। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और देखा भी राहुल काम पर चले गए हैं। अभी चले, मैं अपने बच्चों को बिस्किट दे लेती हूँ, उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद देखेंगे कुछ सोना होगा तो सो जाएंगे, वरना फिर काम पर लग जाएंगे। चलिए, तो मैं देखिए यहीं पर वेट कर रहा हूँ। और बारिश की वजह से मक्खी है ज़्यादा हो चुकी है ना, इसलिए मक्खियों से खेल रहा है। मुंह पर बैठे तो उसे ही काट रहा है, देखिए। लेकिन उसके मुंह में तो आएगी नहीं, लेकिन वो रमट चल रही है उनकी। अभी चलिए उनको बिस्किट खिला लेती हूँ और उसके बाद नाश्ता खा लेती हूँ। वहीं पर बैठा है और पूरी छाली भी खराब कर रहा है बार बार। अभी क्या करूँ मैं, इसका डांट रही हूँ लेकिन डांट का कोई असर नहीं हो रहा है। लो अभी खा, दूसरा पता नहीं कहाँ पर है, बाद में देखूंगी उसको। फिलहाल चलिए, ये तो खा रहा है, हम चलते हैं अंदर क्योंकि हमें भी लगी है भूख। और देखिए मौसम अभी भी बादल है, तो पता नहीं आज बारिश होगी कि नहीं। हो जाए तो और भी अच्छा, मुझे नहाना है इसीलिए। फिर अभी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। तो ये देखिए, आज का मेरा नाश्ता है चाय, साथ में है टोस्ट और गठी से मुड़ी, और साथ में ढूंढी भी एक रोटी, क्योंकि भूख बहुत ही ज़्यादा लगी है इसीलिए। चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। तो ये देखिए, अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। पहले आई होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी भी मैं कपड़े धोकर आई हूँ। कपड़े धोना मैंने स्टार्ट किया तभी हो गई, अभी तक आ रही है देखिए। और बादल भी गरज रहे हैं थोड़े थोड़े से, इसीलिए फिर मैंने कपड़े भी अच्छे से धूप में नहीं सुखाया, क्योंकि धूप निकलेगी तो फिर अब देखेंगे। अभी धूप भी है थोड़ी थोड़ी सी और बारिश भी हो रही है। तो चलिए अभी मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग, क्योंकि देखिए कपड़े वगैरह सब कुछ है तो उसे मुझे क्लीन करना है। तो मैं कभी कपड़े अड्डे करूँगी, उसके बाद बेड की क्लीनिंग और ये सब क्लीनिंग करूँगी और फिर बैठूँगी। तो ये देखिए, मेरा सारा काम हो चुका है। अभी मुझे इस बॉक्स को और इस सूटकेस को कबर्ड के ऊपर चढ़ाना है, बाकी सारा काम और हो चुका है। देखिए किचन भी मैंने क्लीन कर दी है और बारिश फिर से जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। आज तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मुझे एक और काम मेरा बाकी रह गया, मुझे छाटा निकालना है और राहुल का रेनकोट भी निकालना है, तो वो मैं निकाल ले रही हूँ अभी। और दिखाती हूँ आपको रेनकोट अच्छा पता। तो ये देखें, ये है राहुल का रेनकोट और ये मेरे लिए छाटा। ये पिछले साल लिया है लेकिन यूज़ नहीं हुआ था, इस साल शायद यूज़ हो जाएगा। और रेनकोट मुझे राहुल की डिक्की में रखना है। और अभी बारिश रुक गई है थोड़ी देर के लिए, पूरी तरह ठीक से आ ही नहीं रही है, झरमर झरमर बरसात हो रही है। आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। सामने घर का काम भी चल रहा है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। बारिश आता है तो लोग फिर रुक जाते हैं, वापस से शुरू हो जाते हैं। और बेचारे गाय और डॉग, देखो यहाँ पर एक सो रहा है, दूसरा पता नहीं, मुझे सुबह से दिखाई नहीं है कहाँ है। और गाय क्या कहते हैं वो, उनको भी भीगना नहीं होता है ना, तो इसीलिए जो घर की छतों के नीचे वो जगह लेकर रुक जाते हैं, ताकि जहाँ पर बारिश ना आ रही हो और वो भीगे ना, तो वहीं पर वो बैठे रहते हैं। और डॉग्स मेरे यहीं पर होते हैं, पता नहीं, एक तो सुबह से गायब है, दो को तो मैंने देखा था सुबह ही, लेकिन एक गायब है। शाम को देखती हूँ, अगर मिल जाएगा तो उसे भी किसी खिलानी है। तो चलिए अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 1:15 और अभी अभी बड़ी हो चुकी हूँ और अभी आराम से बैठेंगे और कुछ काम नहीं है तो मूवी वगैरह देखेंगे और फिर खाना खा लेंगे और फिर राहत का वेट।
अगर बारिश और जोर से शुरू हो जाएगी ना तो मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, मुझे नहाना है बारिश में। चलिए अभी बारिश का भी वेट कर रहे हैं और साथ में पिंपल्स मुझे थोड़ा अभी पसंद नहीं है, ज़्यादा बकबक नहीं करती मैं, और मिलते हैं खाने खाने के टाइम। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के ऑलमोस्ट 3:15 बज चुके हैं, तो मैं खाना खाना भी बैठ रही हूँ क्योंकि अभी भूख लगी है। सुबह रोटी खाई थी इसलिए भूख नहीं लगी है, तो अभी लगी है तो अभी बैठी हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि आज के खाने में क्या बनाया है। तो ये देखिए आज के खाने में बनाए हैं आलू की सब्ज़ी जो कि है खड़े मसाले और राई के तड़के वाली, और इस राइस और रोटी, और साथ में मैं ले रही हूँ मीठा दही क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही है कुछ मीठा खाने की। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 बजने वाले हैं, और पता नहीं मुझे सडनली ही खुजली होने लगी है, और मिरर में झाँक कर देखा तो वो अड़ाई की खुजली नहीं थी, वो अजरन की खुजली थी, तो मुझे निकली है अजरन और खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं लेने जा रही हूँ दवाई। दवाई मैं घर पर रखती हूँ क्योंकि मुझे कभी कभार अचानक से ही ऐसे अजरन निकल जाती है, एलर्जिक है, मैंने कुछ ऐसा कुछ खा लिया था। हाँ मैंने दही खाया था, मुझे कभी कभार हो जाती है, कभी कभार खाने पर नहीं होती है। तो दोपहर को मैंने दही खाया था खाने में, और देखिए शाम होते होते ही मुझे निकल पड़ी है अजरन। तो चलिए अभी दवा लेते हैं क्योंकि पूरी बॉडी में मुझे खुजली हो रही है, दवा लेकर उसके बाद बैठते हैं। तो ये रही दवाई मेरी, और चलिए पानी भर लेते हैं। चलिए तो गोली निकाली है अभी पी लेते हैं। चलिए तो मैंने पी ली दवाई, अभी देखते हैं अभी 5:45 बजे हैं, कब तक मुझे कुछ भी से छुटकारा मिलता है वो आपको बाद में बताऊंगी, जब खत्म हो जाएगी तब बताऊंगी। कि अभी मुझे रिलीफ मिल चुका है, चलिए वापस अपने मूवी इंजॉय करना है। सिर्फ 6:45 बज रहे हैं और मुझे थोड़ी सी भूख लगी, और मैं सोच रही हूँ कि आज रात को क्या बनाऊँ, और वो भी रेसिपी देख रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ आज कुछ यूनिक सा, लेकिन घर में कुछ इस तरह की कुछ सब्जी वगैरह तो है नहीं, देखते हैं कि क्या बनाते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मैंने 2 तरह की रेसिपी देखी है, दोनों ही मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन एक में फ्राई करना है और दूसरे में तो सेल्फ फ्राई करना है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि कौन सी बनाऊँ या फिर दोनों बनाऊँ, क्योंकि मुझे अभी देख देख कर लग गई है भूख, और अभी मैं जा रही हूँ वापस से नहाने, और मैंने पानी देखिए गर्म करने के लिए रखा है क्योंकि अभी वेटर ठंडा ठंडा हो रहा है थोड़ी धीरे धीरे, और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही दवाई ली है, और ठंडे वेटर में ठंडे पानी से नहाने से भी मुझे एलर्जी है अजरन की, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती इसलिए गर्म पानी कर रही हूँ। और तो वापस से बारिश के छींटे आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलिए पानी गर्म होते पहले मैं नहा लूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो उसके पहले मैं एक नाश्ते की प्रिपरेशन करके जाऊँगी, तो पूजा करने के बाद मैं सीधा बनाकर आपको दिखाऊँगी कि कैसे बनता है और क्या क्या उसमें डालना है वगैरह वगैरह। अब चलिए फटाफट से प्रिपरेशन करते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं। चलिए तो मेरी पूजा हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में, तो चलिए अभी दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। वैसे मैं बनाने वाली हूँ आटे का डोसा, अभी सुनने में तो अटपटा लग रहा है मुझे भी कि बनेगा या नहीं, वरना फिर बैटर पूरा फेंकना पड़ेगा, मतलब गाय को देना पड़ेगा अगर नहीं बना तो। चलिए हम ट्राई करने वाले हैं आज आटे का डोसा, भूल जाती हूँ मैं भी, और क्या क्या डालना है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें। तो ये देखिए ये है आटा और सूजी का बैटर मैंने बनाया है, और बैटर उसके साथ मैंने डाला है छाछ, मेरे पास छाछ पड़ी थी इसलिए मैंने छाछ डाली है, और ये सब पतला बैटर बनाना है हमें, देखिए आप देख सकते हैं। और मेजरमेंट मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने अपने हिसाब से डाला है, अगर होगा तो जो रेसिपी मैंने देखी उसका लिंक मैं डाल दूँगी। और उसमें डालना है हमें एक अनियन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्ची। अब हरी मिर्ची हमारे पास नहीं है क्योंकि राहुल को टीका खाना मना है अभी थोड़े टाइम के लिए, इसलिए मैं हरी मिर्च अभी नहीं ले रही हूँ, तो इसकी जगह हम डाल देंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने से बेटर थोड़ा रेड हो जाएगा लेकिन चलेगा, हम चला लेंगे कुछ भी। तो बस यही कुछ डालना है इसमें, जीरा वीरा कुछ था है पता नहीं वो सब कुछ होगा, लेकिन वो जीरा भी मेरा खट्टा हो चुका है तो वो भी मुझे लेना है, और
रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगानो ये सब भी कुछ डाला था, तो वो भी मेरे पास नहीं है, तो मैं बिल्कुल सिंपल वाला बना रही हूँ। अभी टेस्ट में कैसा है ना वो मैं बनाकर दिखा दूँगी, बनेगा उसके बाद टेस्ट करूँगी तब पता चलेगा। तो चलिए बनाते हैं आटे का डोसा। चलिए तो ये मेरा बैटर रेडी हो चुका है, अभी इसे हम बनाएंगे इस पैन में, क्योंकि हमारे पास नॉन स्टिक वाला तवा नहीं है लेकिन नॉन स्टिक वाला पैन है तो हम इसी में ट्राई करेंगे। चलिए बनाते हैं। और एक बात, मैंने इसमें नमक भी पहले डाल दिया था जब मैंने बैटर बनाया था, और बैटर बनाने के वक्त उसके बाद आपको थोड़ी देर उसको रेस्ट देना होगा 5 से 10 मिनट। तो मैं पहले बैटर बनाकर फिर नहाने चले गए, फिर पूछा कि तब तक ये रेस्ट पर था, तो ये मत भूलिएगा आप सभी जब ट्राई करें तब। चलिए भी बनाते हैं। ये पहले मैंने अभी ऑयल ग्रीस कर लिया है और पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देना है, लेकिन धुआं निकल चुका है। अभी गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और अब इसमें बैटर डालेंगे। चलिए डालते हैं। बैटर डालते वक्त मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि एक हाथ में मुझे पकड़ना है और एक हाथ से डालना है, इसलिए। तो ये देखिए मैंने बैटर को डाल दिया है, और बैटर को हमें एक ही जगह नहीं डालना है, हमें ऐसे करके डालना है, और फिर जब बाकी खाली बचे ना जगह उसको दूसरा बैटर लेकर फिर ऐसे ऐसे करके पूरा फिलअप करना है। अभी इसे लो या मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकने देना है, जब तक कि अपनी क्या कहते हैं वो बढ़ते छोड़ ना देना, साइड छोड़ ना देना तब तक। तो ये देखिए गाइस मेरा पहला वाला डोसा है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि मेरे पास तवा नहीं है, इसीलिए तवा होगा तो अच्छे से होगा। अब चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। और हर एक करने के बाद हमें कढ़ाई भी साफ करनी होगी टिश्यू या कुछ वेट टॉवल से। तो चलिए साफ करके और दूसरा डालते हैं। तो ये देखिए मैंने दो चीले या दो डोसा बना लिए हैं, और दूसरा वाला है ना वो ठीक ठाक मेरा आ गया, ऐसे हमें दूसरी साइड पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। और चलिए अभी मैं खाकर बताती हूँ कि कैसा बना है। और मैं दोबारा यही कहूँगी कि अगर तवा होगा ना तो हमें पलटाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, वैसे पलटाना तो हमें है ही नहीं लेकिन निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पैन है इसलिए मुझे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बनाएंगे तो तवे में ट्राई करिएगा, मेरे पास तो नॉन स्टिक तवा नहीं है, मम्मी ने कुछ टाइम पहले ले लिया था, अभी मैं सब चीज़ मैं भी ले लूँ तो कुछ अभी ऐसा कुछ टेस्टी बनाना हो तो मैं आसानी से उस तवे पर बना सके। चलिए अभी टेस्ट करती हूँ। तो ये देखिए मैंने बाइट ले ली है, अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि कैसा। वैसे इसको चटनी के साथ खा रहे लेकिन चटनी या सॉस अभी नहीं है तो मैं फिलहाल ऐसे ही खा रही हूँ। चलिए खाते हैं। अच्छा है, क्रिस्पी है, और वो क्या कहते हैं वो जो हम प्लेन डोसा खाते हैं ना प्लेन पेपर, वैसा एकदम टेस्ट है। इसमें टमाटर की चटनी वगैरह आप लगा देंगे या साथ में ले लेंगे ना, टेस्ट टू गुड। तो चलिए अभी मैं ये खा लेती हूँ, अभी राहुल खाने में टाइम है तो ये खा लूँगी, उसके बाद रख लेंगे दोस्त के लिए, उनके लिए फिर से बना लूँगी तो गर्म गर्म ही बनाऊँगी, इसलिए मैंने अभी फिलहाल दो ही बनाए हैं। तो चलिए भूख लगी है, मस्त खाते बना। तो अभी बज रहे रात के 8:30 और राहुल आ चुके हैं वापस, अभी केचप लेने गए हैं वापस, जैसे आते हैं तो मैं मिलवाती हूँ। और अभी मैं चला लेती हूँ दूध को गर्म होने के लिए, और साथ में सबसे भी गर्म कर लेती हूँ, और उनके लिए जो बचा हुआ बैटर है उनका वो सभी बना लेती हूँ। चलिए तो ये देखिए जो अभी मैं बना रही हूँ ना, तो ये लोहे की तवे में बना रही हूँ, और अभी देखते हैं कि इसमें कैसा बनता है। तो ये देखिए इसमें से अच्छे से हो गया लेकिन थोड़ी सी मुझे निकालने में प्रॉब्लम हुई, तो अब इसके लिए बेस्ट है नॉन स्टिक, तो उसमें ही ट्राई करिएगा आप लोग। तो ये देखिए मेरे उत्तपम ने क्या मैं कह रही हूँ दोस्त रेडी है, अभी राहुल से टेस्ट करवाते हैं। तो ये आ गए हैं राहुल, राहुल अभी टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। क्या बनाया? मैंने बनाया है आटे का डोसा। अच्छा है, कमी है कुछ मसाला वसाले की? नहीं, वो आलू की मसाले की सांभार
तो अभी हमने खाना खा लिया है और मेरे बर्तन भी हो चुके हैं और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। तो चलिए अभी थोड़ी देर हम बैठेंगे, फिर थोड़ी देर में सो जाएंगे, फिर कल सुबह वही वापस मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट। तो चलिए इस व्लॉग को हम यही एंड कर देंगे। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।